डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्लेसमेंट्स। एक्चुअली मेरे पास एक स्टूडेंट की फीडबैक आई थी, हमारे एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई है ओरेकल में, और उस स्टूडेंट से मैंने एक्चुअली पूछा था कि यार ओरेकल में अगर हम सिर्फ डेटाबेस की बात करें तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो, ये चीजें बहुत जगह पे अवेलेबल भी हैं, लेकिन अगर हमें रिसेंटली क्या चल रहा है उसके बारे में पता लग जाए तो डेफिनेटली आने वाले स्टूडेंट्स जो अभी अभी प्लेसमेंट में बैठेंगे, आने वाले 5-6 महीने में प्लेसमेंट्स में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज जो है वो ये देगा। तो देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे टॉपिक्स जो उसने बताए वो ऑलरेडी कवर्ड है, जो DBMS की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी गेट्स मेजर्स में। मोस्टली टॉपिक्स जो है वो उसमें पूरे के पूरे विद एग्जांपल्स कवर्ड है, लेकिन ये टॉपिक जब उसने मेरे को बताया तो आई थिंक कि यार इसको मैंने कंप्लीट क्यों नहीं किया। मतलब ये ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा चीज है, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है जब पढ़ते हैं ना एक फ्लो में, जब पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई छोटा मोटा टॉपिक रह जाए और वही आपके प्लेसमेंट्स में या वही आपके इंटरव्यू में कहीं पे पूछ लें। तो इसीलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इसको जो है वो लेके आया हूं। तो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, डेटाबेस में हम जब भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास टेबल जो है वो सबसे पहले आता है, टेबल जिसको हम रिलेशन भी बोल देते हैं। लेकिन टेबल के साथ साथ हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल मेरे पास यहां पे आ जाते हैं ये 5 ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर टेबल, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स एंड सिनोनिम, तो ये 5 जो है वो आपके आ जाते हैं, जिसमें से मोस्टली स्टूडेंट ने टेबल और व्यू के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, और इंडेक्स के बारे में थ्योरी भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कवर की हुई है चैनल के ऊपर। तो टेबल की अगर हम बात करें, आपको पता ही है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, आपसे ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछ सकता है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो हम हमारे कॉलम्स होते हैं, टोटल जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री, और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो रोज होती हैं, जो टपल्स होती हैं उसकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसके नंबर को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आपको ऑलरेडी पता भी होंगे, बहुत वीडियोज में मैं इसको जो है ऑलरेडी कवर भी कर चुका हूं। टेबल के बाद हमारे पास आ जाता है व्यू। व्यू जो है वो रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे डाली है, थोड़े दिन पहले ही इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि व्यू क्या होते हैं, क्या इसका एडवांटेज है, क्यों हम एक्चुअल में यूज करते हैं, और उसकी प्लेलिस्ट जो आपको उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। व्यू एक्चुअल में होता क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंट जो है वो हम डेटा को करते हैं। मतलब एक टेबल का कुछ डेटा अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, या मल्टीपल टेबल्स का कुछ कुछ डेटा मुझे रिप्रेजेंट करना है लॉजिकली, मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकली ये कोई मेमोरी जो है वो एक्वायर नहीं करता, लॉजिकली करता है। कैसे करता है वो मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो व्यूज आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है जी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है, होता है ना कई बार जब हम जनरली जैसे कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम का फॉर्म फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर हमें मिल जाता है, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें मिल जाता है। ऐसे ही आप जब पेमेंट वगैरह करते हो तो आपको एक यूनिक पेमेंट का जो नंबर है, जब आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है तो आपको एक ट्रांजेक्शन नंबर मिल जाता है। तो होता क्या है कि डेटाबेस में हम चाहते हैं कि सीक्वेंस नंबर, या हम इस तरीके से कोई एक नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करें रादर देन मैनुअली हम उसको जनरेट करें। तो जनरली ये हम लगा देते हैं प्राइमरी की के ऊपर। तो प्राइमरी की के ऊपर अगर हम सीक्वेंस लगा देंगे तो होता क्या है, हमें मैनुअली असाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर, नॉट नल, क्योंकि प्राइमरी की आपको पता है इट इज व्हाट, इट इज यूनिक प्लस इट इज नॉट नल, मतलब इसको हम नल भी नहीं छोड़ सकते, खाली भी नहीं छोड़ सकते, और ये हमेशा क्या आते हैं, यूनिक। तो ऑटोमेटिकली एक नंबर असाइन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, सीक्वेंस को यूज करते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सीक्वेंस, सिनोनिम और इंडेक्स के ऊपर कि कैसे हम डेटाबेस में इंप्लीमेंट करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। देन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स। इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा रिट्रीवल क्वेरीज, ये जनरली लगाते हैं हम DML queries के ऊपर, और इसका रीजन क्या है कि जो ये मेरी इनपुट आउटपुट कॉस्ट है, मतलब डेटा को उठाने की कॉस्ट, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को उठाने की कॉस्ट कम कर देता है, तो इसीलिए परफॉर्मेंस जो है वो मेरी क्या हो जाती है,
इंक्रीज हो जाती है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसको, प्राइमरी इंडेक्स जो है हमारे पास आ जाता है जी, सॉरी इंडेक्स के अंदर हमारे पास आ जाता है प्राइमरी इंडेक्स आ जाता है, क्लस्टर्ड इंडेक्स आ जाता है, सेकेंडरी इंडेक्स आ जाता है, कौन सा इंडेक्स कब लगता है, डेंस कौन सा है, स्पार्स कौन सा है। इवन अगर हम बात करें आपको यहाँ पे बी और बी प्लस ट्री, वो भी आपको जो है कंप्लीट पैकेज जो है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार आप जरूर उसको चेक कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। देन सिनोनिम, सिनोनिम की अगर हम बात करें, जल्दी होता है आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि सिनोनिम का मतलब क्या है। सिनोनिम इज व्हाट गिविंग द ऑल्टरनेटिव नेम्स टू द ऑब्जेक्ट, मतलब टेबल है कोई भी, मेरे पास सीक्वेंस है कोई भी, मेरे पास व्यू है, अगर मुझे उसका एक ऑल्टरनेटिव नेम देना है देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनोनिम्स। और बड़े नेम है उसको मुझे छोटा करना, मतलब इस तरीके के लिए हम जो है वो सिनोनिम्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको एक एक करके पूरी डिटेल में बताऊंगा, टेबल वगैरह ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, व्यू भी बता चुका हूँ, जो पॉइंट्स रह गए उसको मैं एक एक करके लेके आऊँ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर कवर अप करके जाना, क्योंकि प्लेसमेंट में वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।